बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है लाल लोबिया या राजमा। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। जिन्हें गोश्त खाना पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता तो उनके लिए ये बेहतरीन है। आप हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है जो कि हमारे जिस्म के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम इसे आसान तरीके से बनाने के लिए, इसे सबसे पहले मैं इसे भिगो दिया था मैंने तकरीबन, ये गर्मी का मौसम है तो आप इसे 4 घंटे भिगोए, अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकती हैं जब तक ये इस तरह बड़ा बड़ा ना हो जाए। ये देखिए किस तरह फूल के बड़ा बड़ा हो गया है। इस तरह का हमें चाहिए, बीच में से खुश्क नहीं होना चाहिए वरना ये सही नहीं पकेगा। अंदर से अच्छी तरह ये मुलायम और सॉफ्ट नहीं होगा। इसके लिए मैंने 1/4 प्याज लिए हैं जो कि 1 पाव है, 1/2 किलो लोबिया है, राजमा है या लाल लोबिया है, और ये 1 पाव प्याज है और 1 पाव टमाटर हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया है मैंने साबुत, और मैंने कसूरी मेथी ली है, आमचूर पाउडर लिया है और गर्म मसाला लिया है, और ये मैंने 2 स्टिक दालचीनी के लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने ये तेज़पत्ता लिया है जिसे बे लीफ भी कहते हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक और लहसुन की पेस्ट लिया है। बाकी जो आम मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसके अंदर जाएगी। ये जब तक इसका मसाला हम इस तरह बनाएंगे कि ये अच्छा तरह घुला होना चाहिए, कि ये ना हो कि लोबिया अलहदा तैर रहा हो और मसाला अलहदा हो, इस तरह का हमें नहीं चाहिए। हम इस तरह का बनाएंगे और आसान तरीके से बनाएंगे, जिस जैसे आपको इतनी अच्छी ये रेसिपी लगेगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो मैंने टमाटर साबुत लिए हैं इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। राजमा मसाला के लिए जो मैंने ये राजमा भिगोया हुआ है इसके अंदर मैं ये बे लीफ डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर छिलके के अंदर कोई एक मखसूस खुशबू होती है जो कि इसे ख़त्म करना होता है, और ये 1 बड़ी इलायची डाल दूँगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी। ये मैं इसके अंदर डालकर और 1 चम्मच में नमक डाल के, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और मैं इसे प्रेशर कुकर में उबाल लूँगी। ये कुकर के अंदर मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया, और मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल दूँगी ताकि ये जब उबाला आए तो ये प्रेशर कुकर के ढक्कन में से, सीटी में से उबाल बाहर ना आए और ये इसको रोकेगा उबलने से बाहर घी और नमक। तो ये उबाल के तैयार करती हूँ उसे। ये देखें हमारा राजमा उबल कर तैयार हो गया है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये स्पून जो है मैं इसे इसमें से ले लूँगी इस तरह, इसका मैं बाद में बताऊँगी आपको क्या करना है। ये मैंने ऑयल ली है, आप घी ऑयल जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकती हैं, जितनी भी मकदार में लेना। मैंने 100 ग्राम लिया है, और इसके अंदर ये मैं साबुत ज़ीरा डालूँगी। बस 3 से 4 सेकंड में इसे फ्राई करूंगी, और मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी बारीक चॉप किए हुए प्याज है। इसे मैं उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे, दरमियानी आँच पे हमने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं फ्राई करना, नहीं तो जल जाएंगे और नीचे से कच्चे रहेंगे, इसकी मिठास ज़्यादा आ जाएगी प्याज़ों के अंदर, जो कि टेस्ट इसके लिए सही नहीं बनेगा हमारे राजमा के लिए। हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। ये देखें प्याज का कितना प्यारा गोल्डन सुनहरा कलर हो गया है, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मैं इसके अंदर ये अदरक और लहसुन की पेस्ट डालूँगी। इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। आँच बिल्कुल मैंने स्लो कर देनी है ताकि हमारा अदरक और लहसुन जल ना जाए।
अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। एक टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लेना है। नमक लूंगी मैं अभी 2 टेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च भर के 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च आधा टेबलस्पून। इसके अंदर मसाले सारे चले गए। चूल्हे की आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है जब मसाले डालने हैं। ये जो मैंने राजमा निकाला था 1 चम्मच बड़ा, इसे मैं मैशर से मैश करूंगी। इस तरह मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे राजमा बिल्कुल मैश हो गए हैं, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले मैं इसे भूनूंगी इसमें डाल के। आप इसकी जगह उबलते वक्त जब हमें उबालते हैं लाल लोबिया, इसके अंदर हम आलू भी एक डाल शामिल कर सकते हैं ताकि उसे भी मैश करके इसी तरह हम डालते हैं, इससे भी ग्रेवी बन जाती है और इससे भी हम बना सकते हैं। अब मैं इसे हल्का सा भूनूंगी। हमने प्याज बारीक चॉप ही लेने हैं। आप इसके अंदर पेस्ट अगर डालेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर ज़रा कम मेहनत होती है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी दरमियानी कर दूंगी और मैं इसे हल्का सा भून के और इसके अंदर ये मैं टमाटर की पेस्ट शामिल कर दूंगी। टमाटर की पेस्ट को मैंने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका पानी नहीं खुशक हो जाता है, इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है टमाटर का। ये देखें टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं और इसका ऑयल भी बाहर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये लोबिया डाल दूंगी। अब मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये ज़्यादातर ज़ीरा राइस के साथ सर्व होते हैं, उबले हुए चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी लोग खाते हैं, जिस तरह कोई पसंद करे। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमें तैयार इतना मिले जितनी कि अब इस टाइम ग्रेवी है, क्योंकि मैं इसे दम पे रखूंगी। इसके अंदर ये मैं कट करके सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर चली जाए। और इसके अंदर ये चाट मसाला, गर्म मसाला भी आप डाल सकती हैं। मैंने आमचूर पाउडर डाला है। खटास के लिए आप लीमू का रस भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आमचूर और गर्म मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1-1 टीस्पून। इसकी खटास से ये इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, जायका इसका अपना नहीं होता, जायका हमने बनाना है अब इसका मसालों के साथ। अब मैं इसे हल्की आँच पर ढक के दम पर पकाऊँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। ये देखें हमारा मज़ेदार सा राजमा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने दम पे रखा था 7 से 8 मिनट। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ धनिया डालूंगी जो कि फ्रोज़न है। ये देखें कितना मसालेदार और ग्रेवी वाला बना। और इसके अंदर ये कसूरी मेथी डालूंगी 1 टीस्पून। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है। राजमा मसाला बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो राजमा भुना है आपने वो आपने तकरीबन गर्मियों में 4 घंटे कम से कम, और इसके अंदर कोई सोडा कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। इसी तरह आम नॉर्मल पानी में आपने भुगो देना है और अच्छी तरह ये सॉफ्ट होना चाहिए अंदर तक। अगर आप आधा कच्चा पक्का भीगा हुआ अगर आप उबालेंगी तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसमें इतनी अच्छी ग्रेवी नहीं बनेगी। और सर्दियों में आप ओवरनाइट या 8 घंटे तक आप इसे भुगो सकती हैं। ये मज़ेदार सा राजमा मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसे ज़ीरा राइस के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हैं सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बना है क्योंकि हमने इसके अंदर जो मसाले डाले हैं वो आम घर के मसाले हैं, और ग्रेवी बनाने के लिए
आप इसके अंदर आलू भी उबले हुए आलू भी मैश करके डाल सकती हैं। मैंने इसी को थोड़ा सा एक चम्मच मैंने ले लिया था और उसमें से मैंने मैश करके तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मैश करके ये रीज वाला राजमा मैंने डाला है, तो इससे अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। कुछ प्याज और टमाटर से भी ग्रेवी बनी है, अदरक लहसुन से भी। तो आपने ध्यान रखना है कि अच्छी तरह उबले हुए होने चाहिए, इससे इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। और अगर उबले भी सही नहीं होंगे, भीगे हुए भी सही नहीं होंगे, तो इसका मसाला अलहदा होगा और ये कुछ से अलहदा से होंगे, जो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।